लड़ने को, वरना जमने जाने की हिम्मत कौन करता है। और आखिर इलाज रखिए यहाँ बुजुर्गों की, वरना ये तो सब टुकड़ों पे पलते है, बगावत कौन करता है। औरंगाबाद से निकला तो फिक्र इस बात की थी कि बारिश कितनी तेजी से आएगी, ये प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। लेकिन माजिद भाई ने मुझे बताया कि जालना की आवाम ने तय किया है कि चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये प्रोग्राम होगा तो हो क्या रहे। मुझे ये बताया गया है कि जालना में भी बारिश नहीं हो रही थी, तो अल्लाह के तरफ से एक पैगाम आया है कि राजनीति में भी बहुत सालों से जालना के अंदर हमारी खयादत का सूखा पड़ा था, वो सूखा भी मैं आज खत्म कर दूंगा और बारिश भी आज लेकर आऊंगा। तो आज एक ऐसी दस्तक देने के लिए हम आए हैं। माजिद भाई ने बताया है कि किसी का घर यहाँ है, किसी का घर वहाँ है, हमारी तो अब आदत ही हो गई है, हम दो के बीच में से कैसा निकलना है अच्छी तरह जानते हैं। ये हमने 2014 में भी करके दिखाया, 2019 में भी करके दिखाया इंशाल्लाह। और औरंगाबाद में अगर करके दिखाया है तो औरंगाबाद और जालना में बहुत ज्यादा फासला नहीं है इंशाल्लाह, वहाँ किए है तो यहाँ पर भी करें। हम दो दिन पहले मालेगांव गए थे। मालेगांव जाने की वजह ये थी कि वहां पर हमारे मुफ्ती साहब जो एक्स एमएलए है मालेगांव के, उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूरे मालेगांव के अंदर 20 एमएलए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के परसों तक 20 कॉर्पोरेटर्स थे, ये पूरे के पूरे कॉर्पोरेटर्स आज मजलिस के अंदर आ गए। उस दिन रात को असद साहब ने पूछा मालेगांव कैसा रहा, तो मैंने असद साहब को जवाब दिया कि पूरा मालेगांव अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब हरे रंग में रंग गया। आज जब असद साहब पूछेंगे कि जालना कैसा रहा, तो मैं कहूंगा कि जालना भी अपना हो गया है। दोस्तों, हमें खुशी इस बात की है कि अगर इतनी बारिश में अगर मेरे नौजवान बुजुर्ग और मेरे साथियों यहां पर इकट्ठा हुए हैं, तो आपने जालना की सियासत बदलने वाली है इसका आज पैगाम दे दिए है। मुझे मालूम है और न जाने कई सालों से मैं जब भी जालना में आता था और जालना के नौजवानों का जब जोश देखता था, तो मुझे क्यों अंदर से एक ऐसा जज्बा पैदा होता था और मैं मन ही मन ये सोचता था कि जो जोश और जो जज्बा मैंने अपने शहर औरंगाबाद के अंदर देखा है, वही जोश और जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह जालना के नौजवानों के अंदर भी मुझे देखा था। दोस्तों, जालना के अंदर अगर हमारी क़यादत नहीं खड़ी हुई है, मैं जब जालना में आया तो लोगों ने एक नारा लगाया, कौन आया कौन आया, तो किसी ने कहा कि इसका बाप आया, किसी का बाप आया।
मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ना इसका बाप ना उसका बाप, तुम्हारे सबका बाप आया है। और बाप ने साबित करके दिखाया है लोकसभा चुनाव के अंदर, जब पूरे देश के अंदर मोदी लहर चल रही थी, पूरे देश में जब भाजपा 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 चल रही थी, मेरे शेरों ने वहां पर एक शेर को भिजाया है। लोग कहते थे कि असद साहब अकेले हैं पार्लियामेंट में, एक और चले गया, लेकिन मैंने असद साहब को कहा कि असद भाई एक और एक अब दो नहीं है, एक और एक 11 हो गए। गुंगे मुक्के बहरों को भेजने से अच्छा दो दहाड़ने वालों को भेजो तो वही काफी। और जब हम गए लोकसभा के अंदर तो इतनी हिम्मत हमारे में थी, भैया फोटोग्राफर वीडियोग्राफर थोड़ी सी अपने टेक लो, वो चेहरा देखना चाह रहे हैं, बैठ जाइए। तो दोस्तों एक ऐसा मौजजा औरंगाबाद की आवाम ने कर दिखाया कि जहां पर लोग सोचते थे कि ये कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता, हमारे जहनों के अंदर ये बात बिठा दी गई थी कि नहीं हम कभी चुनकर आ ही नहीं सकते हैं। लोग कहते थे ये कौम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ ही नहीं सकती है, लोग कहते थे ये बड़ी आसानी के साथ इस कौम को बांट सकते हैं बिखेर सकते हैं, और इस कौम का मतलब यह है कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हमारे दलित भाइयों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता आया है, इनकी अपनी खयादत अगर नहीं खड़ी हुई या हमारी अपनी खयादत खड़ी नहीं हुई तो इसकी वजह कोई गैर नहीं है। हमारे अंबेडकरी भाई ये बात अच्छी तरह से समझ लेंगे कि अगर हमारी खयादत आज तक खड़ी नहीं हुई है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हमारे ही कौम के चंद दलाल है जो इस कौम को बेचने का काम करते आए। मैं आपको एक बात यकीन के साथ कहना चाहूंगा, मुझे ये बताइए अगर यहां पर भाजपा का सेना का कांग्रेस का राष्ट्रवादी कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता आ जाए, गाड़ियां भेजनी पड़ती है लड़ने के लिए, पैसे देना पड़ता है आके बैठने के लिए, तीन तीन सौ दो दो सौ तीन तीन सौ देना पड़ता है, ये बगैर पैसे की पब्लिक है, ये जो है ये वो लोग है। मैं अक्सर कहता हूँ बाजारों में पैसे से कुत्ते और बिल्ली के बच्चे खरीदे जाते हैं। चंद पैसे फेंको तो अच्छे से अच्छा ऑल सेशन कुत्ता भी मिलता है बाजार के अंदर, लेकिन लाखों रुपये लगा दो शेर के बच्चे बाजारों में, शेर
बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है, इसीलिए अब ये तकलीफ सब